नाजरीन, सदर के सेक्रेटरी वकार अहमद ने ऐवान सदर का चार्ज छोड़कर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को अगली जिम्मेदारी के लिए रिपोर्ट कर दी। सदर आरिफ अलवी ने गुज़श्ता माह की 20 तारीख को वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि वफाकी सेक्रेटरी उमर अहमद को उनकी जगह दी जाए, लेकिन उन्होंने ऐवान सदर की खिदमत अंजाम देने से इनकार कर दिया था। बाद अज़ां कोई दीगर वफाकी सेक्रेटरी को ऐवान सदर में खिदमत अंजाम देने को कहा गया, लेकिन किसी भी वफाकी सेक्रेटरी ने सदर ममलकत का सेक्रेटरी बनने पर रजामंदी नहीं दी थी। अब इरम बुखारी जो ऐवान सदर में एडिशनल सेक्रेटरी थी को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ये वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप से हैं। वज़ीर आज़म वफाकी वज़रा गवर्नर्स और वज़रा आला साके बोरान के बाद सदर से मुलाकात से गुरेज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म अनवार उल्लाह काकड़ जिन्होंने तकरीबन 3 हफ्ते कबल ओहदा संभाला था अब तक सदर से मुलाकात भी नहीं कर सके हैं। ज़राए ने अहदिया दिया है कि सदर जिनके पास अपने मुकर्रर मुद्दत के 8 दिन बाकी हैं उन्हें अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले अभी तक हुकूमत का कोई भी मुमताज ओहदेदार नहीं मिला है। अब ये फहम गालिब है कि जब भी कोई मौजूदान से मुलाकात या फोन करेगा तो ऐसा नोट करने वाले की मौजूदगी में होगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना।